अस्सलाम वालेकुम माय यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं साधक निरायकर आज हूँ आपके लिए न्यू ब्लॉग लेके। तो मैं ट्राईपॉड लेकर आई हूँ, थोड़ा सा मुझे वीडियो अच्छा बनाती हूँ। सो आज ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, सुबह नाश्ता वाश्ता सब निपट चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं मैंगो शेक बनाने। परसों वाले लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो परसों आम आए थे, तो कल मैंने बनाया था मैंगो शेक, बहुत अच्छा बना था। तो आज जरिए आप बच्चे वायु भाई सब लोग आ रहे हैं, तो वायु भाई जा रहे हैं हज करने, तो उनके लिए हमने छोटी सी दावत की है। सब लोग आ रहे हैं, जरिए आप पहले आ जाएंगी। तो चलिए मैंगो शेक बना के रख देते हैं, जब वो आएंगे तो बर्फ़ डाल के तब हम लोग पियेंगे। चलिए बनाते हैं। सो मैंगो शेक बनाना मुझे सबसे ईजी लगता है, क्योंकि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने मैंगो को धो लिया है, तो ये एक आधा आम रखा हुआ था, थोड़ा सा फेरी को खाने के लिए दिया था, और बाकी मैंने डेढ़ आम का बनाया है, एक और आधा। उसके बाद उसको अच्छे से छील के ऊपर का उसका जो लेयर होती है और सारा मैंने छोटे छोटे पीसेस करके डाल लिया है, और गुठली में से भी जितना हो सका था आम निकाल के डाल लिया है। और अभी मैं थोड़ा थिक बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बाद में जब पीने के टाइम पे बर्फ़ को क्रश करके डाल दूंगी। तो मैंने दूध डाला है, शक्कर डाली है, शक्कर ही बहुत डाली क्योंकि ऑलरेडी बहुत मीठा था आम, और फिर थोड़ा सा दूध डाल दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा थिक लग रहा था। और उसके बाद जब मैंने पलटा, थोड़ा सा दूध डाल के एंड में, जो उसके नीचे मैंगो शेक बच गया था, दूध और शक्कर डाल के फिर से ग्राइंड करके फिर पूरा मिक्स करके एक जगह रख दिया है। और ये हमारा मैंगो शेक रेडी हो गया है। अब इसे हम लोग रख देंगे फ्रिज में। अस्सलाम वालेकुम। हमको पता था आप अभी आएंगी, हमको पता था। ये है मैंगो शेक, मैं निकालते टाइम बनाना वीडियो भूल गई थी। ये भाभी पी रही है। देखो हमने मैंगो शेक बनाया था, हम वीडियो के टाइम पे भूल गए, बताओ। कैसा बना है मैंगो शेक? और मैंगो शेक पीने के बाद अभी हम लोग करेंगे अपनी पिज्ज़ा पार्टी, प्लस ये चाउमिन आई है। ये किचन गराज करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से मंगाते हैं, बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद थोड़ा बहुत आई थिंक मैकडॉनल्ड्स से कुछ आया है, वो बिलाल लोगों को कुछ खाना था, तो ये बाकी मैकडॉनल्ड्स का है। तो अभी भाभी लोग गई हैं। हाय फ्रेंड्स, तो भाभी लोग गई हैं नराई तक थोड़ा बहुत सामान लेने। भाभी और जरियाबा वो आती हैं, तो हम लोग खाना पीना करते हैं। और हाँ, बहुत दिन से मैंने आपको अपने मैंगो नहीं दिखाए, देखिए हमारे आम के क्या हाल है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा छोटा सा आम का पेड़। ये देखिए हमारे चार आम जो हैं वो इतने बड़े हो गए हैं, ये देखिए। बाकी सामने हमारे एक जो पेड़ है, ये वाला जो पेड़ है, इसमें भी आम लगे हुए हैं ऊपर, टाइम दिखेंगे नहीं, पर ये भी आम का पेड़ है। प्लस ये हमारा करी पत्ता, इसमें भी बीज आ गए। ये लास्ट टाइम बीज आए थे, तो उससे देखिए कितने पेड़ निकल आए हैं, कि ये पेड़ निकल आया है, ये तो तुलसी का है। और ये देखिए छोटे छोटे अमरूद भी आ गए हैं, क्योंकि बड़े नीचे नीचे अमरूद हैं, ये खूब अमरूद खाने को मिलेंगे। अगर आपको अमरूद खाना तो आप मेरे घर आ सकते हैं, आपको मैं ताज़े ताज़े अपने पेड़ के अमरूद खिलाऊँगी। एंड ये भी एक करी पत्ते का लगा हुआ है, जरिए आपका यहाँ से तो बीज लाए थे, तो उससे इतना बड़ा निकल आया। और ये पुदीना लगा हुआ है। अब के नींबू का, इधर दो साल से नींबू में हमारे पेड़ में नींबू नहीं आया है, सिर्फ एक ही नींबू आया है। ये हमारा घर, ये देखिए हमारे गुलाब, बाकी ये है दिव्यांशी। अरे इतना ही सन्नाटा रहता है हमारे यहाँ कॉलोनी में।
चहल पहल नहीं है बस। आला कैसा लगा आपको नाश्ता? और फिर वाइन भाई आ गए थे, खाना वाना हुआ, वाइन भाई लोग जा रहे हैं। इस दौरान मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हुमायूं और सब बच्चे इतना आतंक मचाए हुए थे और काम में लग गए थे। तो अम्मी सब दुआ हुआ पढ़ वढ़ की, अम्मी वाइन भाई माशाल्लाह से हज करने जा रहे थे, सब बहुत हम लोग यहाँ एक खुशी की चीज़ है, तो इसीलिए वाइन भाई अम्मी लोगों से मिलने भी आए थे। हाय फ्रेंड्स, आज बना था घर में अपनी पुलाव कबाब और ये है चिकन कोरमा रायता। हाय फ्रेंड्स, मैंने इशा की नमाज़ पढ़ ली है, खाना वाना भी खा लिया है और मैं अब यहाँ पे ब्लॉग एंड करने जा रही हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, शब्बा खैर एवरीवन।